हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। इट्स अभी बॉन्साई हेयर अगेन। बहुत दिनों से मैंने अपने चैनल पे वीडियोस डाले नहीं अपने बॉन्साई के। रीज़न ये है क्योंकि विंटर सीज़न चल रहा है और विंटर सीज़न में अभी मैं ज़्यादा रिपोर्ट करता नहीं हूँ और पेड़ों को ज़्यादा तकलीफ़ देता नहीं हूँ। तो सोचा कि 2-3 हफ्ते हो गए, मैं आपको अपने पेड़ों के अपडेट्स ही दे देता हूँ। सो गाइज़, आप देख सकते हो ये जो है, ये जो लाइन वहाँ तक जा रही है, ये मेरे बॉन्साइज हैं और ये जो यहाँ पर पड़े हुए हैं पॉट्स में, ये मेरे बॉन्साई हैं। और बाकी जो वहाँ पे जो खेत है छोटे मोटे जो देख रहे हैं, वो मेरे मम्मी पापा ने छोड़ी बहुत खेती कर रखी है। सो गाइस, चलिए मैं एक एक करके आपको सारे अपने बॉन्साई के अपडेट देते जाता हूँ। जो सबसे पहले लाइन में है, जो मेरे फेवरेट्स हैं, वो है कैमिशाइल, जो जंगल जलेबी के जो बॉन्साई है, आप देख सकते हो यहाँ पर सारे जो पॉट्स में रखे हुए हैं। और ये जो है, ये 2 फाइकस रेसमोसा है, आप देख सकते हो ये ऑलमोस्ट बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये सारे जंगल जलेबी हैं वहाँ तक, और ये 2 फाइकस रेसमोसा है। और गाइज, ये है मेरा मलबेरी का बॉन्साई जो अभी रेडी हो रहा है। इसको शायद 1-2 साल लग जाएगा। इसको हम अभी शायद ज़मीन में गाड़ने की सोच रहे हैं, या पता नहीं, अगर अच्छा ग्रोथ किया तो इसी में रखेंगे, वरना इसको मिट्टी में डाल देंगे। गाइज, ये है मेरे एडिनियम के प्लांट्स जो मुझे इतने खास पसंद आते नहीं हैं, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता इनका क्या ट्रिक है इनको ग्रो करने का, या फिर शायद मुझे इनमें इंटरेस्ट नहीं है, एक ही बात है। गाइज, ये है मेरा वाइट लीड ट्री का बॉन्साई जो अभी अंडर ट्रेनिंग है। सो गाइज, ये देखिए मेरे मलबेरी का जो ट्री है, वो काफ़ी अच्छे अच्छे इन्होंने ब्रांच ग्रो किया है यहाँ पर। सो फ्यूचर में इनकेस इसका एक अच्छा बॉन्साई बन जाए तो आई विश। सो गाइज, अभी ये रहा हमारा पीपल का जो बॉन्साई होता है, फाइकस रिलीजियोसा। इन सबको मैंने ज़मीन में लगा रखा है, आप देख सकते हो यहाँ पे इनका स्ट्रक्चर बन रहा है, अभी अंडर ट्रेनिंग है यहाँ पे, आप देख सकते हो इनके शेप्स। ये देखिए इनके शेप्स, ये रहा फाइकस रिलीजियोसा जिसे हम पीपल कहते हैं। और गाइज, यहाँ पे है फाइकस वीरेन, वीरेनस भी कहते हैं जिनको। ये भी आपको दिख रहे होंगे कि पॉट में है, जबकि पॉट में नहीं है, इसे सराउंडेड बाय पॉट है। इसके नीचे पूरा एरिया खाली है और वो पूरा ज़मीन में उसके रूट जा रहे हैं, ताकि मेरे बॉन्साई लोग को अच्छे से रूट डेवलप होने का चांस मिले। गाइज, ये आप देख सकते हैं, इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था। और गाइज, यहाँ छोटे छोटे जो लाइन में पॉट्स रखे हुए हैं, ये हैं जेड, जेड के छोटे छोटे मैंने ग्रो किए हैं। ये एक्चुअली कटिंग्स हैं जो अच्छे से ग्रो कर गए हैं। ये पूरी जो लाइन है, ये पूरी लाइन है, ये है फाइकस वीरेनस। ये पूरी जो लाइन है, ये है फाइकस रिलीजियोसा जिसे हम पीपल कहते हैं। वो पूरी लाइन है जंगल जलेबी। ये 2 है फाइकस रेसमोसा। अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। गाइज, ये जो पॉट में है, ये है पोमोग्रेनेट का बॉन्साई। इसको मैं 2-3 साल से डेवलप कर रहा हूँ, थोड़ा धीरे चल रहा है बट ठीक है, ग्रोथ अच्छा हो रहा है। इसको मैं ज़मीन में लगाने की सोच रहा था बट अभी लगाऊंगा बाद में, जगह नहीं है मेरे पास। ये भी है गाइस पोमोग्रेनेट, इसको मैंने 1 महीने पहले कटिंग किया था, अभी इसकी ग्रोथ स्टार्ट हुई है। और गाइस, ये आप देख सकते हैं, ये है फाइकस रेसमोसा। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये पूरा है फाइकस रेसमोसा जिसको मैंने ज़मीन में लगा दिया है बेटर ग्रोथ के लिए, ताकि इनकी जो ब्रांचेज है वो अच्छे से डेवलप हो सके, थोड़ी मोटी हो सके। इसका आधा ज़मीन के नीचे है। गाइज, ये रहा एक और जो मैंने मॉनसून में कट करके रखा हुआ था। इसकी ग्रोथ थोड़ी स्लो चल रही, पता नहीं क्यों, बट मैंने इसको भी नीचे से काट दिया है ताकि इसके रूट्स ज़मीन के नीचे चली जाए। आई विश ये भी अच्छे से ग्रो कर जाए। ब्रांचेस तो काफ़ी ज़्यादा है इसकी, बट बस डेवलप होने अच्छे से बाकी है। गाइज, ये रहा मेरा सबसे मोटा जो फाइकस रेसमोसा का जो प्लांट है, इसकी भी ब्रांचेस बहुत पतली पतली हैं। इनको भी डेवलप करने के लिए मैंने ज़मीन में काट दिया है। गाइज, ये है काफ़ी मोटा, इसके ब्रांचेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं, बट इसके ब्रांचेस मोटे नहीं हो रहे, उसकी वजह से मैंने इसको ज़मीन में गाड़ दिया है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे एक छोटा सा फाइकस रेसमोसा है, मामे छोटा सा क्यूट, इसके भी ब्रांचेस हैं, इसको भी अच्छे से डेवलप होने के लिए मैंने ज़मीन में गाड़ दिया है। यहाँ पे मेरे एक और 2 पीपल के पेड़ हैं, एक ये रहा छोटा सा जो भी लंबा हो रहा है, और दूसरा है ये डेडवुड जैसा दिख रहा है बट एक अच्छा पीपल का ट्री बन सकता है ये। और गाइज,
ये रहा, इसको हम लोग गार्डन में यूज़ करते हैं एज अ बॉर्डर के लिए, इसका मैं नाम भूल गया हूँ, इसको गार्डन मेहंदी भी बोलते हैं, बट ये मेहंदी होती नहीं है एक्चुअली में। सो गाइज़ ये भी यहाँ पे मैंने लाइन से लगा दिया हुआ है ताकि ये बाउंड्री हो सके। आप देख सकते हैं ये करौंदे का पेड़ है मेरे पास, करौंदे के पेड़ का अगर बॉन्साई बनेगा तो अच्छी बात है। हालांकि इसके मैंने ज़्यादा देखे नहीं हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर तो बन रहा है, पर मैंने इसके ज़्यादा बॉन्साई देखे नहीं है, जस्ट मैं ट्राई कर रहा हूँ, अगर बन गया तो बहुत अच्छी बात है। गाइज इस पर मैं जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ, इस पर यह है गार्डन मेहंदी का बॉन्साई जिस पर मैंने पहले एक दो वीडियो बनाए भी, हाँ इसका बस अपडेट मुझे देना बाकी है, और इसको हम बॉन्साई बना देंगे बहुत ही जल्दी। देखिए इसका स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा आ रहा है, इसको बस थोड़ा सनलाइट की वजह से इसको मेच्योर होने दीजिए, फिर मैं इसका एक बॉन्साई बनाऊंगा अच्छे से, फिर इसको छोटे पॉट पर हम शिफ्ट कर देंगे। ऐसे ये है मेरे जंगल जलेबिया का एक बहुत ही मोटा सा बॉन्साई बन रहा है, ये भी अंडर डेवलप है, इसके रूट अंदर ट्रेनिंग हो रहे हैं, इसके अंदर बड़ा पॉट है इसके अंदर। जब फरवरी या मार्च आ जाएगा तो मैं इसको शायद ज़मीन में शिफ्ट कर दूँगा ताकि इसके ब्रांचेस अच्छे से डेवलप हो सके। गाइज ये रहा मेरा रिसेंट जो मैंने वीडियो बनाया था 2 या 3 वीक पहले, ये मेरे हाफ मून पॉट के अंदर जो मेरा जंगल जलेबी है, इसको भी मैंने पत्ते थोड़े डिफोलिएट कर दिए थे, याद हुआ अगर आपको, ताकि इसको सनलाइट मिले और इसके ब्रांचेस अच्छे से डेवलप हो सके। तो गाइस चलते हैं आगे, ये है मेरा जंगल, ये है पोमोग्रेनेट, अनार के सारे मैंने इसमें सीडलिंग्स ग्रो कर रखे हैं, इन सबको मैंने सीड से ग्रो किया है, कुछ साल भर हो गया होगा इनको, मैंने इनको एक अलग पर्पज़ के लिए यहाँ पे ग्रो करके रखा हुआ है, अभी तक इनको कहीं शिफ्ट नहीं किया है, मैं जल्दी इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा, बस थोड़े इनको और मेच्योर हो जाने दीजिए। देखिए कितने हेल्दी है, सबको एक ही पॉट में रखा है मैंने, ऊपर से सैंड में रखा है, फिर भी कितने सब ये हेल्दी है और ग्रो करते जा रहे हैं कंटिन्यूसली। और गाइस ये जो आप लाइन देख रहे हो, ये पूरा लाइन है जेड का, ये देखिए मैं हर महीने या 2 महीने में कटिंग्स ग्रो करता रहता हूँ, ये पूरे हैं जेड्स के, अब देख सकते हो छोटा मामे जैसा बॉन्साई बन रहा है यहाँ पे। सो गाइज ये है मेरे पूरे जेड्स के लाइन। सो गाइज आप देख सकते होंगे कि मेरे बॉन्साई के जो कलेक्शन है वो ज़्यादातर एक ही तरीके के स्पीशीज़ मैंने बहुत सारे रखे हुए हैं, और गाइज मुझे इंटरेस्ट तो नहीं है पर फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरे पापा और मम्मी ने ग्रो कर रखे हैं, ये है टमाटर, लाइन से टमाटर ग्रो कर रखे हैं, यहाँ पर जो छोटे छोटे हैं ये है बैंगन, ब्रिंजल कह सकते हो आप, और ये जो आप ऊपर से देख सकते हो जो पालकी जा रही है, इसके पूरे ऊपर या तो कद्दू या तो अपने वाइट कलर का जो आता है दूधी वो बोलते हैं, ये रहा बैगेज में पड़ा हुआ है, ये शायद दूधी है, यहाँ से ग्रो होगा ऊपर जाएगा पूरा, यहाँ से यहाँ तक फैलने वाला है और नीचे नीचे लटकने वाले हैं सारे वेजिटेबल सब्ज़ी। सो गाइस ये था मेरा छोटा सा खेत, ये रहा मेरा घर, ये मेरी सड़ी हुई स्कूटी। सो गाइस ये था मेरा अपडेट बॉन्साई का, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ गाइज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। जब भी मैं बॉन्साई पे कुछ अपडेट करूँगा तो मैं शूट करूँगा, बहुत दिनों से मैंने कुछ किया नहीं है इसलिए मैंने नया वीडियो बनाया नहीं है, होप यू गाइज अंडरस्टैंड। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग।